एक रुपए में, मेरे को 3 साल हो गए एक रुपए में खाना खाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया खाना देते हैं, कभी खीरी भी, पूरी भी, हलवा भी, सब खिलाते हैं मेरे को, पेट भर के भोजन कराते हैं सर एक रुपए में। एक रुपए में खिलाते हैं सर, बहुत खाना बढ़िया है। चलो दो तीन बार लेकर दोबारा ले लेना है ना, उधर जाओ कहाँ। एक रुपए में जी भर पेट खाना खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। हेलो गाइस, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। तो गाइस आज हम आए हैं गाजियाबाद में साहिबाबाद में श्याम पार्क के पास, और यहाँ हमारे बड़े भैया खिलाते हैं एक रुपए में भरपेट खाना। इसलिए महंगाई के जमाने में जहाँ आज की डेट में 100 रुपए में कुछ नहीं आता, वहाँ हमारे बड़े भैया खिला रहे हैं एक रुपए में खाना। बाकी चलते हैं और जानते हैं, फुल डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो आइए हमारे साथ आइए। तो गाइस आगे हम भैया जी के पास, एक बार पहले आप भीड़ में बैठा लीजिए। आपकी हमारे बड़े भैया एक रुपए में सबको भरपेट खाना खिलाते हैं, आप देख सकते हैं, और ऐसे नहीं की जल्दबाजी में, आप देखिए। हाँ जी बाबू जी, कितने रुपए खाना खिलाते हैं? अरे एक रुपए में, मेरे को 3 साल हो गए एक रुपए में खाना खाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया खाना देते हैं, कभी खीरी भी, पूरी भी, हलवा भी, सब खिलाते हैं मेरे को, पेट भर के भोजन कराते हैं सर एक रुपए में। ठीक हो तो? हाँ जी सर, एक रुपए में खिलाते हैं सर, बहुत खाना बढ़िया है। चलो दो तीन बार लेकर दोबारा ले लेना है ना, उधर जाओ कहाँ जा रहे हो यार। एक रुपए में आज की डेट में मैं कह रहा हूँ 100 रुपए में कुछ नहीं आता, और हमारे पंडित जी खिलाते हैं एक रुपए में भरपेट खाना। एक रुपए में जी भरपेट खाना खिलाते हैं, भरपेट खाना खिलाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारे पंडित जी का प्यार है, बाकी चलते हैं पंडित जी से बात करते हैं। ये हमारे पंडित जी का प्यार है, बाकी चलते हैं पंडित जी से बात करते हैं। हाँ जी गाइस, आगे हम पंडित जी के पास जो कि पूरे साहिबाबाद में एक रुपए में खाना खिलाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आज की डेट में 100 रुपए में कुछ नहीं आता, लेकिन हमारे पंडित जी खिला रहे हैं एक रुपए में खाना, मात्र एक रुपए में भरपेट खाना। हेलो पंडित जी। नमस्कार भैया, जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। तो सर आप कैसे, मतलब ये आपके माइंड में एक कैसे कंसेप्ट है कि एक रुपए में भरपेट खाना खिलाने का? भैया कोविड में जब लोग भाग रहे थे ना यहाँ से छोड़ छोड़ के अपना घर जी, तब हमने भोजन बांटना स्टार्ट किया था। हाँ जी, और तब से आज तक रसोई चल रही है। अच्छा, ये बाबा की कृपा से। लोग मंदिर पे आने लगे थे रोज रोज नए नए, तो हमने ये रेगुलेट कर दिया और एक रुपए की सेवा लेना लोगों से शुरू किया। हाँ जी, ताकि किसी को ये ना लगे मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ जी, बहुत से ऐसे होते हैं ना भाई, हम खाना तो खाएंगे लेकिन पैसे दे के खाएंगे हम। हाँ बस जी जी, तो उनके लिए आपने सिर्फ अमाउंट रखी है ₹1। एक रुपया जी जी। तो सर कितने साल हो गए आपको? भैया हमें 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं सर, मैंने भी देखा 3 साल हो गए सर। जी 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 जी, 3 साल से जानता हूं पंडित जी को। जी 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 जी। तो सर, तो सर डिश यही रहती है, दाल चावल अच्छी चेंज होती रहती है? नहीं नहीं, चेंज होता है, जैसे कढ़ी चावल होता है। हाँ जी ठीक है, कढ़ी चावल रोटी होती है, कभी दाल चावल रोटी होती है, कभी आलू की सब्जी चावल रोटी होती है। हाँ जी, कभी क्या कहते हैं छोले चावल रोटी होती है, राजमा, जैसे हम घर पे बदल बदल के खाते हैं वैसे रोज बदल के आता है खाना। अच्छी है। हाँ अच्छा, अच्छा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पंडित जी सेवा कर रहे हैं, एक रुपए की अमाउंट सिर्फ इसलिए ले रहे हैं जिससे ताकि लोगों को बुरा ना लगे कि हम फ्री में नहीं खाते। अच्छा, एक रुपए देने में भी घबराते लोग? एक रुपए देने में घबराते, बच्चे कितने कोई पास पैसे नहीं। हाँ जी, तो गाइस सिर्फ एक रुपए तो ये इसलिए कि जो लोग बुरा ना माने कि हम भाई फ्री में नहीं खाएंगे, तो बाकी आप आना, किसी पे होता नहीं है ना तो भी कोई बात। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं जी। एंड आपको किसी को भी सेवा का मौका देना है हमारे पंडित जी को, तो आप अमाउंट जमा कर सकते हैं सेवा, मतलब सेवा के थ्रू राशन दे सकते हैं हमें जी। देखिए बेसिक नीड है हमारी राशन जी, ठीक है, क्योंकि राशन होगा तब रसोई बनेगी। हाँ जी हाँ जी, पैसे की आवश्यकता नहीं है जी, ठीक है। जो लोग भी जुड़ना चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है जी, 9891321712 जी, है ना, मुझे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, राशन भेज सकते हैं। आजकल तो ब्लिंकिट चल गया और फ्लिपकार्ट ग्रोसरी चल गया, अमेजोन ग्रोसरी चल गया। हाँ जी, आप लोग राशन आदि हमें दान कर सकते हैं जी, और बाकी अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं? हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तुरंत एड्रेस भेज दूंगा मैं। हमारा पता है श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 268 साहिबाबाद गाजियाबाद जी। हाँ जी, तो गाइस आप भी आना और फुल सपोर्ट करना हमारे पंडित जी को भी, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से हमारे बड़े भैया खिला रहे हैं एक रुपए का भरपेट खाना। आप देख सकते हैं सब, आप देखिए सब एक रुपए डाल रहे हैं, देखिए आप।
और सर आप एक चीज बता रहे थे कि घर वाले नंबर ले लेते हैं, छोटे बच्चे उल्टे सीधा बोलते हैं फोन करके। माँ बाप जो बच्चों का ध्यान नहीं रखते ना, वो बच्चे मुझे कॉल मिला देते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर शेयर किया। हाँ, ऐसे बच्चों के लिए है कि माँ बाप उनका थोड़ा ध्यान रखें, उल्टी सीधी बात बच्चे ना करें, क्योंकि जो आज सीखेंगे वो कल वो समाज को देने वाले हैं। जी जी, है ना। निवेदन है सभी से, कोई भी कॉल कर सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी कॉल कर सकता है, पर छोटे बच्चे माँ बाप की गाइडेंस में कॉल करें। जी हाँ जी जी। तो सर आज आपके पास क्या है भैया? आज मेरे पास दाल है, चावल है, रोटी है। जी जी सर, एक बार थाली लगाओगे आप? अभी लगा रहा हूँ, देना थाली। थाली देना आंटी जी। ये आ गई है आपकी थाली, रोटी दो। तो गाइस ये हमारी 1 रुपए वाली थाली लग रही है, दो रोटी देना। हाँ, उधर दे दो। ये दो रोटी आ गई, देखिए आप, दो रोटी आ गई है जी, और ये आ गए हैं चावल। गई आगे चावल आ गया, आप देख सकते हैं। और ये आ गई है आपकी दाल जी। दाल देना भैया, दाल देना थोड़ी। तो सर डेली यही रहता है, ये चेंज होता रहता है भैया? रोज बदलता है, कभी सब्जी होती है, कभी दाल होती है, कभी छोले होते हैं, कभी राजमा होते हैं। चावल और रोटी परमानेंट है, कभी चावल और रोटी की जगह पूड़ी और मिठाई आ जाती है। अच्छा, पूड़ी और मिठाई आ जाती है। 1 रुपए वाली थाली लग गई है। तो गाइस हमारी 1 रुपए वाली थाली लग गई है, इसे खाने के लिए आना कब पड़ेगा? इसे आना पड़ेगा श्याम पारक मेट्रो स्टेशन, पिलर नंबर 268, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी। एंड गाइस आपको जो भी सेवा करनी है, आपको जो भी राशन की जो भी सेवा करनी है, आप हमारे पंडित जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।